जया किशोरी का कान की धाम में आगमन 15 से 21 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगी। किशनगंज से सटे कानकी में प्रख्यात कथावाचक जया किशोरी का आगमन गुरुवार की शाम हो गया। विश्व विख्यात कथावाचक जया किशोरी कान की धाम बाबा रामदेव मंदिर बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंची। यहां उनका कुल 7 दिनों के लिए आगमन हुआ है। मंदिर पहुंचते ही कृष्णा अवतार बाबा रामदेव मंदिर ट्रस्ट कान की धाम समिति के सदस्यों द्वारा जया किशोरी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। किशनगंज से सटे बंगाल के कानकी बस स्टैंड के पास स्थित कानकी धाम बाबा रामदेव मंदिर में कुल 7 दिनों के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जहां विश्व विख्यात कथावाचक जया किशोरी द्वारा 7 दिनों तक 1 बजे से 5 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का पाठ सुनाया जाएगा। इस श्रीमद् भागवत कथा और विश्व विख्यात कथावाचक जया किशोरी की खबर सुनते ही इलाके में खुशी का माहौल बन गया। कल से हजारों की संख्या में भक्तों का तांता मंदिर परिसर में लगना शुरू हो गया है। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ साथ सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो आपको बता दें चलें, जया किशोरी का कान की धाम में आगमन हुआ है। 15 से 21 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगी। भक्तों की भीड़ लग रही है। किशनगंज से सटे कान की धाम में प्रख्यात कथावाचक जया किशोरी का आगमन गुरुवार की शाम हो गया। विश्व विख्यात कथावाचक जया किशोरी कान की धाम बाबा रामदेव मंदिर बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंची। यहां उनका कुल 7 दिनों के लिए आगमन हुआ। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।